असलहा तस्करी और पैसे के लेन देन में हुई थी हिस्ट्री सेटर मुंशी सोनकर की हत्या। एएसपी ने किया खुलासा। जनपद चंदौली के बलुआ निवासी हिस्ट्री सेटर मुंशी सोनकर की हत्या का खुलासा जनपद पुलिस ने सोमवार को कर दिया। दो दिन पूर्व हुए हत्याकांड का पुलिस लाइन सभागार कक्ष में करते हुए खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने बताया कि अवैध असलहे की तस्करी और पैसे की लेन देन में बलुआ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में हुई मुंशी सोनकर की हत्याकांड। मुखबिर की सूचना पर वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रमौला गांव निवासी विकास यादव को रविवार को सैदपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मुंशी की चेन, कार की चाबी व अन्य सामग्री बरामद हो गई। बताया कि अवैध असलहे की खरीद फरोख्त में हुआ विवाद के चलते आरोपियों ने ईंट से सर कुचलकर युवक की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही शख्स सामने आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार आरोपित विकास ने बताया मुंशी के साथ अवैध असलहे की तस्करी करता था। देखिए, बलुआ थाना क्षेत्र में पलिया गांव के एक मैदान में जो है बलुआ गांव के रहने वाले मुंशी सोनकर की डेडबॉडी मिली थी, जिनके सिर में चोट थी और शरीर पर भी चोट थी। हत्या होने की आशंका थी, इसमें मुखबिर को लगाया गया था और मुखबिर की सूचना से ये घटना का खुलासा हुआ। इसमें विकास यादव सन्ना स्वर्गीय मिट्ठू यादव ग्राम रैमला चौबेपुर का रहने वाला है, इसको जो है हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुंशी सोनकर से इसकी रंजिश थी। पहले ये दोनों दोस्त थे और बाद में इनसे विवाद हुआ था, जिसमें मुंशी सोनकर ने इसको कई बार बेइज्जत किया था, इसको कई बार मारपीट दिया था, जिससे वो रंजिश रखता था। उसी रंजिश में अपने दोस्त मुलायम यादव जो रोहनिया थाने का रहने वाला है वाराणसी का, और भिक्खू यादव जो जौनपुर का रहने वाला है, और रोहित जो बनारस का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने मुर्गी फार्म जो रैमला गांव में है, भक्तुआ गांव के पास में, वहां मुर्गी फार्म पर ले गए और ले जाने के बाद इनको मुंशी सोनकर की पिटाई की गई और बेहोशी की हालत में घर में रखा गया। अंधेरा होने का इंतज़ार किया गया, उसके बाद इसका हाथ पैर बांध कर इसके मुंह पर सेलो टेप लगा दिया गया और शाम होने का इंतज़ार किया गया। शाम जब हुई तो मुंशी सोनकर की इब्रेजा कार में इनकी डिक्की में रखकर ये सिधौना खानपुर सैदपुर होते हुए मारूपुर मजदहा होते हुए पलिया गांव के एक स्कूल का मैदान है, स्पोर्ट स्टेडियम है, ले आकर उसमें ईंट से मुंशी सोनकर के सर में कई वार किए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर इनको संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने उस कार को जो है कई बार मुंशी सोनकर के ऊपर चढ़ाया और कंफर्म हो गया कि ये मृत हो गया है, तो बुलेट गाड़ी थी जिससे ये लोग कार वहीं छोड़ दिए और बुलेट गाड़ी से फिर वापस आकर और चौबेपुर चले गए, वहाँ से फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। सर, मामले को लेकर थाना बलुआ SHO का Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.